हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को एक ही वीडियो में। हम इस वीडियो में पूरे एक्ट को कवर करेंगे और हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। मैं कोशिश करूंगा, ओवरव्यू नहीं कह सकते, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिटन एग्जाम की कर रहे हैं। तो जब आप पूरे एक्ट को एक बार समझ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न इसी एक्ट में होती है। ये अगर आप फूड आपका प्रोफेशन है, यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फूड से कर रहे हैं या फिर फूड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपके पास फूड सब्जेक्ट है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम से फूड से रिलेटेड उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट हाई है, ठीक है? तो देखते हैं पूरा इसमें क्या रहने वाला है। सारे ही हम चैप्टर यानी कि 12 चैप्टर को देखेंगे और हम सारे सेक्शंस को देखेंगे जो 101 सेक्शन है, यानी कि 101 सेक्शन है पूरे एक्ट में, ठीक है? उससे पहले थोड़ा सा यार रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। इस पीडीएफ के नोट्स के लिए मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पहले के नोट्स हैं आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस एक्ट का एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, पर चैप्टर का एक एक सेक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो हैं, चैप्टर नंबर 8 तक मैंने कवर कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा अगर हिस्ट्री में जाएं तो आपको भी पता है कि हिस्ट्री को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले अगर 2006 एक्ट की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी एक्ट कैसे आता है। तो इसको जो है पार्लियामेंट लेकर के आती है, यानी कि हमारी संसद लेकर के आती है, जिसमें पार्लियामेंट के मेनली तीन पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर ही किसी एक्ट को तैयार करते हैं। प्रेसिडेंट तो बस अपनी एसेंट यानी कि अपनी सहमति देते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा काम होता है पार्लियामेंट का, संसद का। तो पहले चीज़ें लोकसभा में पास होती हैं या फिर राज्यसभा में भी पास हो सकती हैं, उसके बाद दूसरे हाउस में जाती हैं। जब दोनों ही हाउस इसको अप्रूव्ड कर देते हैं तब ये बिल बन जाता है और ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति जब इस बिल पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं यानी कि अपनी सहमति दिखा देते हैं, तो उसके बाद में ये बन जाता है एक्ट और ऑल ओवर इंडिया में अब इसे किया जा सकता है इम्प्लीमेंट। कहीं पे भी, मतलब पूरा इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, आपको पता है कि जब वहाँ पे जो 370 था वो हट गया है, इस वजह से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया में जो इम्प्लीमेंट होंगे वही जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट होते हैं अब। पहले ऐसा नहीं होता था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कोई भी एक्ट वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता था, ठीक है? 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर किए थे, अपनी एसेंट दी थी यहाँ पे, अपनी सहमति प्रकट की थी, उसके बाद में ये आया वर्किंग में। तो इसीलिए इस एक्ट को बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। आगे अगर हम देखें थोड़ा सा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में, तो ये आखिर ये है क्या, ये एक्ट क्या कहता है? तो अगर इसके बारे में देखें तो फूड सेफ्टी एक्ट जो 2006 है वो कंसोलिडेट्स वेरियस एक्ट एंड ऑर्डर्स। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स या फिर ऑर्डर्स को मिला के एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट्स। तो कंसोलिडेट फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया जिसमें वेरियस एक्ट और ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया, जो कि पहले डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते थे या फिर उनके थ्रू कंट्रोल किए जाते थे। तो सारी चीज़ों को एक में मिला करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसको आज हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। जो पहले जो चीज़ें थीं जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद में ये चीज़ें जैसे धीरे धीरे आती रहीं। जैसे आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया, उसके बाद में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आया 1955 में, उसके बाद में आप देखेंगे मीट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑर्डर आया 1973 में, इसी तरीके से वेजिटेबल्स ऑयल प्रोडक्ट के लिए आया 1947 में, इसी तरह से आया एडिबल ऑयल पैकेजिंग, ये 1988 में आया, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 6 ऑर्डर और जो एक्ट हैं
इनको मिला करके एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो आखिर बाद में क्या हुआ, बाद में जो भी जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी आपने पीछे 6 ऑर्डर और एक्ट देखे, वो रिपील्ड हो गए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट 2006। यानी 2006 वाला एक्ट जो था वो जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो पहले के जितने भी एक्ट थे वो रिपील्ड हो गए, यानी कि निरस्त हो गए, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस एक्ट में शामिल कर दिया गया है, ऐसा नहीं है उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन जो इंडिविजुअली जो उनके पास अथॉरिटी थी, जो डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट उसको एक तरीके से कंट्रोल करते थे, वो सारी चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। तो फूड से रिलेटेड जो सारा कंट्रोल है वो जा चुका है FSSAI के पास में। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो जो कंट्रोलर है फूड का वो है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो FSSAI वाज कंसिक्वेंटली इस्टेब्लिश इन 2008। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल थोड़ा ठीक से किया करिए, आप सही वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जो हमारा एक्ट है, सॉरी FSSAI जो है हमारा, वो 2008 में इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ कब, 2011 से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो FSSAI है वो 2008 में इस्टेब्लिश हो गया था, और ये वर्किंग में कब आया, वर्किंग में आया 2011 में, जब रूल्स एंड की रेगुलेशन जब बनाया गया इसको लेकर के, तब ये वर्किंग में आया। तो यानी कि 2011 से ये इफेक्टिव हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो इस पूरे एक पेज में आप समझ सकते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आखिर क्या-क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे 12 चैप्टर हैं और 101 सेक्शन है। देखिए, फूड का जितना भी नेटवर्क फैला हुआ है हमारे इंडिया में, तो ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो FSSAI तो करता है, लेकिन FSSAI वर्क कैसे करता है, FSSAI के पास भी कुछ एक बेस होना चाहिए जिस पे आधार पे वो वर्क करेगा। तो किस पे आधार पे, ये किसके बेसिस पे वर्क करता है FSSAI, तो वो करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बेसिस पे। इसको ये बेस मान के चलता है, बिना इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो जो चीज़ें एक्ट में लिखी हैं इसी के अनुसार ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो 12 चैप्टर हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में है प्रीलिमिनरी, इसमें जो है सेक्शन नंबर 1 से 3 तक कवर किया गया है। इसको मैं डिटेल में बना चुका हूँ वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफिनीशंस के बारे में बताया गया है चैप्टर के, कि जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, तो फूड प्रोसेस एड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो उनको सब टेक्निकल जो डिफिनीशंस होती हैं छोटी छोटी, उसके बारे में बताया गया है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप FSSAI या फिर किसी एग्जाम की फूड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे FSSAI हो, जिसमें बताया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI के बारे में ही पूरा बताया गया है। इसको मैं पूरा फिनिश कर चुका हूँ, 2 वीडियो हैं इसके, आप जाकर के देख सकते हैं डिटेल वीडियो, जिसमें हमारे जो एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 4 से लगा के 17 तक कवर किया गया है। यानी कि FSSAI के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसमें जो है FSSAI के बारे में किस सेक्शन में कवर किया गया, तो सेक्शन नंबर 4 से लगा के 17 तक, यानी 4 to 17 जो सेक्शंस हैं उसमें FSSAI के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी, बस एक ही सेक्शन है इसमें, सेक्शन नंबर 18। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल ऑफ फूड, आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के जो भी जनरल प्रोविजंस या फिर सामान्य जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, सेक्शन नंबर 19 से 24 तक इसमें कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, यानी कि जो भी फूड हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट करना यानी कि अदर कंट्री से जो भी फूड है हम अपनी कंट्री में लेकर के आ रहे हैं बाई शिप या फिर बाई प्लेन किसी भी रास्ते से, तो उसको लेकर के क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो उसमें जो है सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 है और सेक्शन नंबर 25 है।
उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 के बारे में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को लेकर के स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है उसकी क्या है, और क्या क्या जो रिटेलर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें सेक्शन नंबर 26 से सेक्शन नंबर 28 तक कवर किया गया है। अगर हम आगे बात करें चैप्टर नंबर 7, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, देखिए इन्फोर्समेंट का मतलब यही होता है कि जो एक्ट है उसको जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। इन्फोर्समेंट क्या होता है कि हम फॉर्मली किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं पर, तो हम उसको इन्फोर्समेंट बोलते हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट के बारे में इसमें बताया गया है सेक्शन नंबर 29 से 42। ये सारे डिटेल्ड वीडियो हैं, आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसके बारे में अगर उसके आगे हम अगर बात करें चैप्टर नंबर 8 में, तो चैप्टर नंबर 8 में बताया गया एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में। एनालिसिस ऑफ फूड यानी कि स्पेशली इसमें फूड एनालिस्ट के बारे में बताया गया है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी इसमें रोल है कि कैसे वो सैंपल को कलेक्ट करेगा और कैसे वो फूड एनालिस्ट के पास भेजेगा। उसमें जो है सेक्शन नंबर 43 से 47 तक बात करी गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 पे अगर हम आते हैं तो चैप्टर नंबर 9 जो हमारा है उस पर ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें जो है सेक्शन नंबर 48 से 67 तक कवर किया गया, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें, इसमें एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया। देखिए एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कुछ डिस्प्यूट अगर होता है उसको लेकर के जो जजमेंट होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप। तो फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि जो फूड से रिलेटेड एक ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जैसे हमारा कोर्ट होता है ना, वैसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टाइप का कोर्ट बनाया जाता है। कोर्ट तो हम नहीं कहेंगे, स्पेशल टाइप का एक जस्टिस ऑफ कोर्ट बनाया जाता है जहां पर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हर चीज़ के लिए इतने सारे हमारे इंडिया में वैसे भी केसेस पेंडिंग रहते हैं, अगर अदर अदर डिपार्टमेंट के जो केसेस हैं, अगर वो सारे केसेस लेकर भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे तो वैसे भी केसेस इतने पेंडिंग रहते हैं तो और टाइम लगेगा। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए एक तरीके से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, ठीक है। एक तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए, तो इनको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। इसमें जो है सेक्शन नंबर 68 से 80 तक बात करी गई है, ठीक। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट एंड रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। जो FSSAI है वो अपनी कैसे रिपोर्ट तैयार करेगा, अकाउंट सेक्शन कैसे मेंटेन करेगा, स्टेट अथॉरिटी है उसका फाइनेंस कैसा होगा, और जो अकाउंट से रिलेटेड कैसे चीज़ें होंगी, इन सब बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है सेक्शन नंबर 81 से 84 तक कवर किया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 12 यानी कि लास्ट चैप्टर जो है वो है मिसलेनियस। इसमें जो बाकी बची हुई चीज़ें जो किसी चैप्टर में नहीं कवर की गई हैं, जिनका मतलब टॉपिक थोड़ा अलग है, उनको सब इसमें डाल दिया गया है मिसलेनियस वाले में, जो सेक्शन नंबर 85 से 101 तक इसमें कवर किया गया है। तो आपने देखा 12 चैप्टर में क्या है, सेक्शन नंबर 1 से लगा के सेक्शन नंबर 101, 101 सेक्शन है, दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में 12 चैप्टर हैं, यानी कि 12 चैप्टर हैं और 101 सेक्शन है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था जिसमें प्रीलिमिनरी के बारे में बताया गया था, यानी कि प्रीलिमिनरी चैप्टर का नेम है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है। पूरा मतलब एक्ट के बारे में ही थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 2 है, इसमें डिक्लेरेशन और जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ना किसी एक्ट वगैरह को, उसके बारे में बताया गया है। फिर जो सेक्शन नंबर 3 है, इसमें जो है डिफिनीशंस के बारे में बताया गया है, जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, फूड सेफ्टी क्या होता है, जो है एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, कंटामिनेंट्स क्या होते हैं, और जो भी ऑफेंस वगैरह क्या होता है, जो छोटे छोटे टेक्निकल टर्म पूरे एक्ट में यूज़ हुए हैं उनकी डिफिनीशंस यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि है FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। उसमें सेक्शन नंबर 4 जो है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है FSSAI के।
उसके बाद में सेक्शन नंबर 5 जो है उसमें कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि जो FSSAI है उसमें मेनली कितने मेंबर्स होते हैं, जैसे चेयरपर्सन हो गया, CEO हो गया, और कौन कौन से मेंबर्स उसमें होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 6 है उसमें सेलेक्शन कमिटी फॉर सेलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन के बारे में बताया गया है, जो चेयरपर्सन का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद में सेक्शन नंबर जो 7 है उसमें टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी अलाउंसेस के बारे में बताया गया है, जो भी हायर अथॉरिटी हैं जैसे कि चेयरपर्सन या CEO वगैरह हो गए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे चेयरपर्सन कौन है इस टाइम पे, ठीक है, FSSAI के। उसके बाद में आपका जो सेक्शन नंबर 9 है उसमें जो है ऑफिसर एंड अदर इम्प्लॉयज़ ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 10 जो है उसमें फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO का जो वर्किंग है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है जो करंट में हमारे CEO कौन है और वो कब से CEO बने हैं, वो कब CEO बने थे इसके बारे में बताना है, और इसके पहले कौन से CEO थे उसके बारे में बताना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 11 जो है उसमें सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में बताया गया है, देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर जो 12 है हमारा उसमें फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, जो उसमें कौन कौन होता है, चेयरपर्सन होता है और जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं सबके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसमें जो है स्पेशली फंक्शन के बारे में बताया गया है क्या है, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 में साइंटिफिक पैनल के बारे में बताया गया है, सेक्शन नंबर 14 में साइंटिफिक कमिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो पैनल या फिर कमिटी हैं ये FSSAI को एक तरीके से क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे एडवाइजरी कमिटी है वो भी एडवाइस करती है FSSAI को, साइंटिफिक पैनल का काम ही है साइंटिफिक रिसर्च करना, उसके बेसिस पे FSSAI को एडवाइस करना, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 में प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल को लेकर के बताया गया है। सेक्शन नंबर 16 में जो है हमारा ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी की क्या ड्यूटी और फंक्शंस होंगे, तो फूड अथॉरिटी कौन है, FSSAI है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 17 जो है उसमें बताया गया प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी, जिसमें एक ही सेक्शन है सेक्शन नंबर 18, जिसमें जनरल प्रिंसिपल टू अलाउ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इसमें सारी बातें की गई हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसका डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाया है, टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड, डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 19 जो था इसमें उसमें बताया गया यूज़ ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग ऐड। देखिए फूड एडिटिव जो होते हैं ना, हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो बाद में फूड में ऐड करते हैं वो होती हैं फूड एडिटिव्स, और फूड प्रोसेसिंग एड्स की अगर बात करें तो जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे जो भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं एक्सटर्नली उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऐड बोलते हैं। तो इसको लेकर के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कितने अमाउंट तक आप यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। सेक्शन नंबर 20 कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 21 में पेस्टिसाइड और वेटनरी ड्रग रेसिड्यू होते हैं, जैसे वेटनरी ड्रग्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका जो पार्ट रह जाता है बच जाता है उस रेसिड्यू के बारे में बताया गया है इसमें, एंटीबायोटिक रेसिड्यू के बारे में बताया गया और माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 22 जो है हमारे एक्ट का उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बताया गया है, ऑर्गेनिक फूड और फंक्शनल फूड और प्रोप्रायटरी फूड के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 23 में तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में बताया गया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग का एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है, वो डिटेल वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 24 की अगर बात करें तो इसमें बताया गया रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मार्केट में लेकर के आएँ उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दें फूड से रिलेटेड, तो इसके लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है गवर्नमेंट वो इसी सेक्शन के बेसिस पे लगाती है, ठीक है। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 5 है वो है प्रोविज़न रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, जो भी हम इंडिया में जो भी फूड है उसको इम्पोर्ट करते हैं उसको लेकर के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो जो पहला सेक्शन है इसमें सेक्शन नंबर 25 उसमें ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी सब्जेक्टेड टू, इसमें इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बताया गया है।
उसके बाद में अगर बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज टू फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी को लेकर के जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तीन ही सेक्शन है इसमें। सेक्शन नंबर 26 की अगर बात करें तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर की फूड को लेकर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 27 में लाइबिलिटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरर और पैकर्स और होलसेलर, जो पैकर्स या फिर होलसेलर होते हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं फूड को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में फूड रिकॉल प्रोसीजर, इसमें 28 के बारे में बताया गया है। जो मैगी थी, मैगी को 2015 में जो बैन किया गया था, उसके बाद में उसको शॉप या स्टोर से वापस मंगाया गया था, तो इसी सेक्शन के अगेंस्ट चीज़ें की गई थी, ठीक है। तो इसी सेक्शन का यूज़ किया गया था, सेक्शन नंबर 28 इसका यूज़ करके ही सारा प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया था, जो मैगी का केस हुआ था 2015 में इंडिया में। उसके बाद में अगर चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है, उसको कैसे फील्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पे डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, तो वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो कैसे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 29 जो है, इसमें जो अथॉरिटी है, जो किसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगी, तो जैसे कि सेंट्रल में है वो FSSAI रिस्पॉन्सिबल होगा, और स्टेट में जो है स्टेट फूड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सेक्शन नंबर 13 जो है, इसमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, जो हायर अथॉरिटी होती है, जो हायर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो होता है स्टेट में सबसे बड़ा जो होता है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर, सॉरी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 31 की अगर बात करें तो इसमें लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस के बारे में बताया गया है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 32 की अगर बात करें तो इसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर कोई कुछ गलत कर देता है, अगर उसको एक बार पहले तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है कि हाँ, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है कि मैंने ये फूड को लेकर के गलतियाँ की हैं, अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसके लिए उसको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। अगर वो मान लेता है तब तो ठीक है, वरना फिर उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें की करती है गवर्नमेंट, जो भी ऑफेंस अगर वो कोई करता है तो उसके अगेंस्ट जैसे भी प्रोसीजर चलाना होता है वो चलाते हैं। अगर सेक्शन नंबर 33 की बात करें तो इसमें प्रोविजन ऑर्डर के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 34 के बारे में अगर बात करें तो इसमें इमरजेंसी प्रोविजन नोटिस फॉर ऑर्डर, देखिए प्रोविजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना किसी टाइम के लिए, तो प्रोविजन ऑर्डर के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर के ये वाला चैप्टर देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 35 की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग के बारे में है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 36 जो है, इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बताया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, ठीक है, तो याद रहे। इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है उसके बारे में जो मेंशन किया गया है वो सेक्शन नंबर 30 में मेंशन किया गया है। सेक्शन नंबर 37 की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया है इसमें। और जो सेक्शन नंबर 38 है उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 की अगर बात करें तो इसमें लायबिलिटीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, जो सर्टेन केसेस हैं कुछ, उन केसेस में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके क्या क्या दायित्व होंगे या फिर क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं उसकी, इस बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 40 की अगर बात करें तो इसमें परचेजर में है फूड एनालाइज, तो परचेजर जो होता है वो फूड के एनालिसिस करवा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगर सेक्शन नंबर 41 की अगर बात करें तो इसमें पावर ऑफ सर्च सीज और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर रेड वगैरह मारता है उसके लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब यही होता है, अगर कोई दोषी करार पाया जाता है तो उसको जब फॉर्मली जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, जैसे उसको दोषी करार बनाने के लिए, ठीक है, उसको अगर दोषी करार साबित करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। सेक्शन नंबर 42 की अगर बात करें तो इसमें प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन कौन लॉन्च करता है, जो कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी वही लॉन्च करता है, तो उसको लेकर के क्या क्या प्रोसीजर हैं प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के, तो इस सेक्शन में बताया गया है।
इसके बाद में अगर बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो इसमें एनालिसिस ऑफ फूड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43 जो है, पहला जो सेक्शन है इस चैप्टर में वो है 43, जिसमें रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, यानी कि जो लेबोरेटरीज होती हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको रिकॉग्निशन या फिर एक्रेडिटेशन जो मान्यता प्रोवाइड करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेकर के चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 44 में रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट को लेकर के। फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब है कि जो एग्जामिनेशन होता है ना फूड का, कोई इंडस्ट्री है अगर वो फूड को मैन्युफैक्चर करती है या फिर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, तो ऑडिट जो ऑडिट जारी होता है, ऑडिट का मतलब ये होता है कि एक प्रेजेंट टाइम पे जो एक तरीके से ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिन करना चीज़ों को कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से डेटा को मेंटेन किया है कि नहीं किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से डेटा मेंटेन है कि नहीं है, तो इस सब चीज़ों को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑडिट में आती हैं। उसके अपने सेक्शन नंबर 45 की अगर बात करें, तो इसमें स्पेशली फूड एनालिस्ट के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 46 की अगर बात करें, तो फंक्शन ऑफ एनालिस्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 47 में सैम्पलिंग एंड एनालिसिस के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें, तो इसमें ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। देखिए, ऑफेंस का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं फूड को लेकर के, कोई क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफेंस में काउंट होंगी अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, उसके बाद में उसको लेकर के क्या क्या पेनल्टीज होंगी, तो इस बारे में इसमें बताया गया है। जैसे सेक्शन नंबर 48 में अगर हम बात करें, तो इसमें बताया गया है जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑफेंस, जनरल प्रोविजन्स क्या है ऑफेंस को लेकर के। उसके बाद में सेक्शन नंबर 49 की अगर बात करें, तो इसमें जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू पेनल्टीज, ऑफेंस के बारे में पहले 48 में, 49 में पेनल्टी के बारे में है। फिर सेक्शन नंबर 50 की अगर बात करें, तो इसमें पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड, जो सेलिंग फूड होता है ना उसको लेकर के, जो भी फूड अगर कोई सेल कर रहा है तो उसको लेकर के क्या क्या पेनल्टीज हैं अगर कोई ऑफेंस करता है। तो सेक्शन नंबर 51 में बात करें, तो पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड, सब स्टैंडर्ड फूड का मतलब है कि कोई मिस ब्रांडेड फूड है, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है, तो उसको लेकर के अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही पेनल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 52 की अगर बात करें, तो इसमें पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड, तो मिस ब्रांडेड फूड के बारे में अगर बात करें, जैसे उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड जो होता है एक तरीके से थोड़ा सा बीच का रहता है, वो पूरी तरीके से मिस ब्रांडेड भी नहीं होता है और प्रॉपर तरीके से वो स्टैंडर्ड फूड भी नहीं होता है, ठीक है। जो मिस ब्रांडेड फूड होता है उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उसको मार्केट में कोई फर्जी तरीके से अगर बेचता है, सेल करता है, तो वो मिस ब्रांडेड में आता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो लेबलिंग होती है उस पर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट या फिर जो भी उसका फूड का जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है उस पर प्रॉपर तरीके से उसको मेंशन ना किया गया हो, तो ये सब चीज़ें मिस ब्रांडिंग में आती हैं। सेक्शन नंबर 53 की अगर बात करें, तो इसमें मिस लीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर के क्या क्या पेनाल्टीज हैं उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 54 की अगर बात करें, तो इसमें पेनाल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्स्ट्रानियस मैटर, कोई भी एक्स्ट्रानियस मैटर अगर फूड में है, जैसे कोई बाहरी मैटर उसमें आकर के आ जाता है जो कि फूड का पार्ट नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रानियस मैटर बोलेंगे। अगर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको लेकर के क्या क्या पेनाल्टी जो है इस एक्ट में दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 55 की अगर बात करें, तो इसके बाद में फेलर टू कंप्लाई, यानी कहने का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हैं, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर उसकी डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक से नहीं किया गया है, कंप्लाई का मतलब है उसका अनुपालन नहीं किया है किसी ने भी, कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो इसके अगेंस्ट क्या क्या पेनाल्टी होंगी तो उसके बारे में इसको बताया गया है। जो चीज़ें फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर बोल रहा है, वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद सेक्शन नंबर 56 की अगर बात करें, पेनाल्टी फॉर अनहाइजीन एंड अनसैनिटरी, अगर कोई अनहाइजीन या फिर अनसैनिटरी प्रोसेसिंग है फूड की या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस केस में क्या क्या पेनाल्टीज होंगी इसके बारे में है। सेक्शन नंबर 57 प्रोसेसिंग एडल्ट्रेशन को लेकर के क्या क्या पेनाल्टीज हैं। सेक्शन नंबर 58 पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन फॉर नो स्पेसिफिक पेनाल्टी, अगर आप कोई उल्लंघन करते हैं तो उन चीज़ों का, उसको लेकर के क्या क्या पेनाल्टीज होंगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 59 की अगर बात करें, तो पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड, अनसेफ फूड को लेकर के क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता है। सेक्शन नंबर 60 की अगर बात करें, पनिशमेंट फॉर द इंटरफेयरिंग विथ सीज्ड आइटम, जो सीज्ड आइटम है उसको लेकर के अगर कोई इंटरफेयर करता है तो उसको लेकर के क्या क्या पनिशमेंट है।
सेक्शन नंबर 61 पनिशमेंट फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है उस केस में भी पनिशमेंट है, उसको लेकर के क्या पनिशमेंट है वो इसमें बताया गया है। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 62 है, सेक्शन नंबर 62 में अगर आप देखेंगे तो इसमें पनिशमेंट फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर के बिहाफ पे या फिर उसका नाम लेकर या फिर उसको एक तरीके से झूठ बता करके कि मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, किसी भी तरीके का उसके नाम पे अगर कोई क्राइम करता है, कोई गलत काम करता है, कहीं पर जा करके अगर कोई रेड मारता है और बोलता है मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, तो एक तरीके से ये जो है ये सेक्शन नंबर 62 के अंडर में आएगा। उसके खिलाफ क्या क्या पनिशमेंट होंगे, क्या क्या उसको पेनल्टीज़ होंगी, ये सब किस सेक्शन में बताया गया, 62। तो कोई भी कभी ऐसा काम मत करना कि झूठ मूठ का फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर के कहीं पे रेड मारने की कोशिश मत करना। सेक्शन नंबर 63 की अगर बात करें तो इसमें पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस, अगर विदाउट लाइसेंस अगर कोई कुछ करता है तो उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 64 में पनिशमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर कोई करता है तो उसके बारे में है। सेक्शन नंबर 65 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, कंपेंसेशन इन केस ऑफ इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है कोई फूड को कंज्यूम करता है या फिर फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उस केस में क्या क्या कंपेंसेशन होगा, तो इस एक्ट में, इस सेक्शन में बताया गया, ठीक है। उसके बाद में ऑफेंस बाय कंपनीज़ अगर कोई ऑफेंस करती हैं तो उसके बारे में बताया गया सेक्शन नंबर 66 में। सेक्शन नंबर 67 की अगर बात करें तो इसमें जो है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी एडिशन टू पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर एक्ट, ठीक है। तो इसमें स्पेशली इम्पोर्ट से रिलेटेड ही ये जो भी प्रोविजंस हैं उसको लेकर के अगर कोई कंट्रावेंशन होता है तो उसके बारे में इस सेक्शन में है क्या क्या पेनल्टीज होंगी। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा वो है एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल। एडजुडिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि एक तरीके जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, एक तरीके से अगर हम कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको जो सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है या फिर जो जजमेंट होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। तो फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है कि आप अपील कहाँ पे कर सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल का मतलब यही है, मैंने आपको बताया जैसे कि कोर्ट होते हैं तो कोर्ट का जो वर्क है उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि जो जजेस हैं वो बहुत कम है कोर्ट के हिसाब से, तो वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो उस वर्क लोड को कम करने के लिए कोर्ट में तो ये जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ये स्पेशली किसी जैसे फूड से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल है, तो जैसे डिफेंस का अपना अलग ट्रिब्यूनल होता है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल है वहाँ पर चीज़ों को लेकर के जाया जाता है, तो वहाँ पे ये सारे प्रोसेस चलाए जाते हैं इन सबको जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके, जल्दी से जल्दी जजमेंट हो सके। तो सेक्शन नंबर 68 में एडजुडिकेशन के बारे में ही बताया गया है। 69 में बताया गया है कि पावर क्या है कंपाउंड ऑफेंस के लेकर के, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 70 जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे होगा। उसके बाद में 71 में जो है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होंगे वो बताया गया है। सेक्शन नंबर 72 में सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन इसमें बताया गया है, ठीक है। सिविल कोर्ट क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारा कोर्ट होता है, नॉर्मल जो भी जहाँ पे भी चीज़ें होती हैं उसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे बताया गया नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंडर में नहीं आएंगे, उन सब बारे में बेसिकली आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे। सेक्शन नंबर 73 की अगर बात करें तो पावर ऑफ कोर्ट ट्राई टू केसेस समराइली, यानी कि जो भी पावर है कोर्ट को कि किसी भी केस को लेकर के उसको समराइज करना एक तरीके से। उसके बाद में सेक्शन नंबर 74 की अगर बात करें तो इसमें स्पेशल कोर्ट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 75 में जो है पावर टू ट्रांसफ़र केस टू रेगुलर कोर्ट इसमें बताया गया है कि अगर कोई केस है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, अगर उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसमें पावर टू ट्रांसफ़र केसेस टू रेगुलर कोर्ट इसमें बताया गया है, ठीक है।
सेक्शन नंबर 76 की अगर बात करें तो इसमें अपील के बारे में बताया गया। वही चीज़ है ना, अगर आप को कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई जजमेंट मिलता है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप दोबारा से अगर अपील करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे और किस कोर्ट में जाएंगे, तो इस बारे में बताया गया है कि अगर आप इसमें नहीं होता है तब आप अगर हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ट्रिब्यूनल में नहीं होता है किसी भी टाइप की चीज़ें, अगर आप असंतुष्ट हैं एक तरीके से, ठीक है, डिसीजन से। उसके अंदर सेक्शन नंबर 77 की अगर बात करें तो इसमें टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन क्या है, जो भी प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है, मैंने आपको बताया जैसे कोई दोषी करार पाया जाता है तो उसको कोर्ट में लेकर के जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें प्रोसेस चलाया जाता है उसको दोषी करार साबित करने के लिए, तो उसका टाइम लिमिट क्या होगा, उसको लेकर के कैसे प्रोसेस चलाया जाएगा, कितने टाइम पीरियड में चीज़ों को करना है, तो वो सेक्शन नंबर 77 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 78 में इसमें बताया गया है पावर टू कोर्ट टू इम्पील्ड मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद में 79 में जो है मजिस्ट्रेट पावर के बारे में बताया गया, टू इम्पोज इन्हेंस पनिशमेंट, इन्हेंस पनिशमेंट को लेकर के वो कैसे इसको इम्पोज कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है इस सेक्शन में बताई गई है। सेक्शन नंबर 80 की अगर बात करें तो इसमें डिफेंस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, इस बारे में बताया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे तो जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे तो आप सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। आपको इस एक्ट के साथ में पूरी लाइफ काम करना है, आप जब FSO बन जाएंगे उसके बाद भी, तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, FSO बनने के बाद में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें तो फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट एंड रिपोर्ट्स के बारे में है। भाई सारी चीज़ें तो देख ली, अब FSSAI जो है अपना, वो कैसे अपना डेटा मेंटेन करेगा, कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, कैसे अपने फाइनेंस को मेंटेन करेगा। फाइनेंस और अकाउंट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद में ऑडिट की बात करें तो ऑडिट जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑडिट की जब अगर बात आ जाती है तो इसमें जो है जो आपका कैग है वो भी रोल में आ जाता है, यानी कि कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में रिपोर्ट्स को तैयार करना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो सेक्शन नंबर 81 की अगर बात करें तो इसमें बजट ऑफ फूड अथॉरिटी को लेकर के जो बजट इशू होता है उसको लेकर के कैसे कैसे बजट अलॉट होगा, कौन कौन से फील्ड के लिए कितना होगा, तो बजट का एक जो रिपोर्ट डेटा तैयार करना वो सब इसमें है। उसके अंदर सेक्शन नंबर 82 की अगर बात करें तो फाइनेंस ऑफ द फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 83 में अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फूड अथॉरिटी, देखिए इसमें यह है कि फूड अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से चीज़ों को करेगी, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, किसके साथ मिल करके, कैग के साथ मिल करके। CAG को आप जानते होंगे, कॉम पेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम ही होता है इंस्पेक्ट करना, ऑडिट करना चीज़ों को, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, ये जहाँ भी चाहे वहाँ रेड मार करके डेटा को कलेक्ट करना चाहे कलेक्ट कर सकती है, कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, कौन? CAG, कैग, कॉम पेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 84 की अगर बात करें तो इसमें एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ फूड्स अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है मिसलेनियस, जो भी चीज़ें रह गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट थे वो पीछे के थे। तो सेक्शन नंबर 85 की अगर बात करें तो इसमें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, जो भी डायरेक्शन को इशू करेगा फूड अथॉरिटी को लेकर के। उसके बाद में सेक्शन नंबर 86 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या क्या डायरेक्शंस इशू करेगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 87 की अगर बात करें तो इसमें मेंबर्स ऑफेंस ऑफ फूड अथॉरिटी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी पब्लिक सर्वेंट, कहने का मतलब यही है कि जो मेंबर हैं जो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फूड कमिश्नर हो गया या फिर अदर जो ऑफिसर हो गए या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, वो क्या होंगे, वो एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट होंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 88 की बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ को लेकर के बातें की गई हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 89 में जैसे कि इफेक्ट ऑफ एक्ट ओवरऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो है सेक्शन नंबर जो 19 है उसमें ट्रांसफ़र को लेकर के बातें की गई हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 91 जो है उसमें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दी गई हैं रूल्स मेकिंग के लिए। सेक्शन नंबर 92 की अगर बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 93, उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है।
उसके बाद में 94 जो सेक्शन है हमारा, उसमें पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है रूल्स को रूल्स मेकिंग को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में 95 जो है सेक्शन नंबर, उसमें रिवार्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है, अगर कोई कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिससे फूड से रिलेटेड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको लेकर के क्या क्या रिवॉर्ड्स वगैरह हैं उस बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 96 में क्या है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 97 में रिपील एंड सेविंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 98 है उसमें क्या है, ट्रांजिटरी प्रोविजंस फॉर फूड स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में है। फिर जो आपका है सेक्शन नंबर 99, उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 के बारे में है, बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेक्शन नंबर जो आपका 100 है उसमें क्या है, अमेंडमेंट्स टू द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है। अमेंडमेंट का मतलब है जो भी उसमें अगर आपको कोई सुधार करना है, कोई चेंजेस करना है, उसको लेकर के कैसे आप करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस है इस बारे में बताया गया। सेक्शन नंबर 101 को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पावर टू इम्प्रूव डिफिकल्टीज। देखिए जो भी हमारा एक्ट है अगर उसको कहीं पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो हम उस डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उनको कम कर सकते हैं, तो इस बारे में सेक्शन नंबर 101 में बताया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 101 सेक्शंस। तो आपने देखा थोड़ा सा, अगर आप इनको सुनेंगे भी तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो टॉपिक था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। एक वीडियो में मैंने इसको ख़त्म करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि चीज़ें इधर उधर रहने से अच्छा है अगर आप एक बार चीज़ों को ध्यान में रख भी लेते हैं, तो अगर आपकी सीबीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो डायरेक्टली आ जाता है सेक्शन को लेकर के, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको याद भी रहेगा तो आप उसको टिक कर पाएंगे, अगर आपको चैप्टर भी याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये वाले सेक्शन थे तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।